गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी में चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और अपन आज इसमें आगे स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी में हिस्ट्री की बुक ओपन करेंगे और आप लोग आ जाइए पेज नंबर 9 पे। 8 तक अपन ने स्टडी कर लिया था रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर 9 पे आ जाइए, रीजन एंड एम्पायर, यहाँ से अपन स्टडी करते हैं। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स, चैप्टर 2 में चोल्स साम्राज्य के बारे में बताया हुआ है, उनका बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। तुगलक चैप्टर 3 में तुगलक्स के बारे में बताया गया है और मुगल्स चैप्टर 4 में मुगल्स के बारे में बताया गया है। एक कंपास मेनी रीजन्स, ये अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है या गिरा हुआ है। अ सस्पीड प्रस्टी सी चैप्टर सेकंड फॉर एन एग्जांपल ऑफ ए प्रस्टी। संस्कृत में आपको चैप्टर सेकंड में इसके बारे में, संस्कृत के बारे में खुल के बताया गया है। प्रेसिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287, जो गियासुद्दीन बलबन है ना, ये दिल्ली के क्या थे, सुल्तान थे। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ ए वेस्ट एम्पायर, ये उस समय के बहुत ही व्यापक शासक थे। दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल बॉर्डर इन द ईस्ट ऑफ द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान, और इनका जो साम्राज्य है ना वो बंगाल से लेके बंगाल के पूरब में टू गजनी इन अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में जो गजनी नाम की सिटी है वहां पे इनका राज्य था, वेस्ट में वहां तक उनका राज्य था। एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, और इसमें पूरा साउथ इंडिया भी इंक्लूड है, मतलब वहां भी इनका राज्य था, किनका, गियासुद्दीन बलबन का। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, गोडा आंध्रा केरला कर्नाटक महाराष्ट्र एंड गुजरात, एपरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज, वे सभी लोग इनके डर से वहां से भाग गए। कहां-कहां के, गोडा के, आंध्रा के, केरला के, कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात के लोग इनके भय के कारण भाग गए। हिस्टोरियंस पेज नंबर आगे 10 पे आ जाइए, रिगार्ड दिस एज एग्जिग्रेट क्लेम्स ऑफ कॉन्क्विस्ट, हिस्टोरियंस ने इन चीजों को माना और इनका दावा भी पेश किया। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और उन्होंने इस चीज को भी समझाने की कोशिश की कि जो शासक थे ना उस समय में वो ही कंट्रोल करते थे अलग अलग उपमहाद्वीपों के हिस्सों में। बाय 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पजेस डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, 700 से भी कई ज्यादा क्षेत्रों में पहले से ही जो ज्योग्राफिकल डायमेंशन जो आयाम था ना, और बाकी अलग अलग जो भाषाएं थी और जो उनकी संस्कृतियां थी, इन चीजों में वो विशिष्ट तरह से बटे हुए हैं। तो कितने रीजन है, 700 से भी ज्यादा रीजन है, क्षेत्र जो बटे हुए थे उनके आयाम के अनुसार, उनकी लैंग्वेज के अनुसार और उनकी संस्कृति के अनुसार। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, इसके बारे में आप चैप्टर 9 में और विस्तार से पढ़ोगे या सीखोगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, उन लोगों ने जो शासन हुआ था ना राजवंश, जो राजवंश का शासन हुआ था, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में, चैप्टर 9 में।
there was considerably conflict. Chols, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. इन क्षेत्रों के राज्यों के बारे में जो टकराव हुआ है ना उसके बारे में बताया गया है, और जो राजवंश थे जैसे चोल्स, खलजी, तुगलक और मुगल, ये भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्सुक थे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपना जहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया था. नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. सभी जो साम्राज्य थे वो बराबर सक्सेसफुल नहीं थे, कुछ सक्सेस थे कुछ अनसक्सेस थे. कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल फर्स्ट इन चैप्टर थर्ड एंड फोर. आपको टेबल फर्स्ट दी गई है चैप्टर थर्ड और फोर में, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फॉल ऑफ द खलजी एंड मुगल डायनेस्टी. इसमें खलजी और मुगल राजवंश के बारे में बताया गया था. व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, जब मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में आया, इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट चैप्टर थर्ड. और इसके बारे में आप और भी विस्तार से चैप्टर थर्ड में पढ़ोगे. बट यस ऑफ इंपीरियल पेन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजंस. इन क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट तरीके से अलग अलग भागों के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 10 में. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. ज्यादातर उपमहाद्वीपों पे जो क्षेत्र थे ना, वो कभी ऐसे क्षेत्र बच गए जहाँ पे शासक नहीं रहे. मतलब हर क्षेत्रों पे अलग अलग शासक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, उन लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया और वो वहां पे शासन करने लग गए. पेज नंबर 11 पे पढ़ रहे हैं अपन. फर्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको पढ़वा रहा हूं यहाँ पे, दिस वाज एप्रेंटिस. दिस वाज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economic elite cultures and language. और इन चीजों को उभारने के लिए अलग अलग कई देश, कई अलग अलग जो परंपराएं चली वहां पर, उनकी जो सरकारें बनी वो उनसे आर्थिक स्थिति में, उनकी संस्कृति में और भाषाओं में भी बदलाव आ गया. उसका थ्रू द 1000 इयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजंस, 700 से 1750 से भी ज्यादा विशिष्टता आ गई ऑफ द डिफरेंट रीजंस. जो क्षेत्र थे, इतने क्षेत्र थे वहां पे उस समय, डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. दिस रीजंस फेल्ट द इंपैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लॉसिंग देयर डिस्टिंक्टनेस. मतलब इनमें कोई विशिष्ट बदलाव ना होकर के भी इन सब का, इन सब रीजियंस का क्या हो गया, एकीकरण हो गया. ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए धर्म, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. न्यू टॉपिक है द 1000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस. हजारों सालों पहले की इतिहास में हमने तलाश की थी ब्रिटिश की, हमने देखा था बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है रिलीजियस ट्रेडिशन में. जो उस समय का जो ट्रेंड चलता था परंपरा में, बहुत बदलाव हो गया है परंपरा में. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. ज्यादातर लोग इस चीज को पार्ट करने वाला मानते थे, पर ज्यादातर अब क्या है, ये सभी सबके लिए वेरी कर गया, ये जो रूल है रिलीजियंस का.
ये सबको इकट्ठा करता है। कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपरनेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। रिलीजन हमारे समाज को और आर्थिक स्थिति को और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, एक दूसरे में कम्युनिकेट करने का काम करता है, यानी बातचीत करने का काम भी करता है। कौन? रिलीजन। ये अपना संबंध स्थापित करता है। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर्स टू डीड देयर बिलीव्स। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑक्यूर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। This included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of the Brahmins, the priests as dominant group in society. और समाज में कई प्रकार के जो समाज थे ना, उन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, फिर उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया अलगी, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण इन लोगों ने अपना अलग समाज सोसाइटी बना ली, समाज बना लिया। ऐसे ही हर रिलीजन ने अपना एक एनवायरनमेंट बना लिया रहने के लिए। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न्ड द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। जो संस्कृत के बारे में जो जानकारियां थी, जो हर चीजों को पढ़ने की जो जानकारियां थी, वो ब्राह्मण्स में थी। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. तो इन लोगों ने इस पोजीशन के बारे में सपोर्ट भी किया और संरक्षण भी किया सब लोगों का, और नए जो शासक थे ना, उनको कुछ नई चीज सर्च करने में भी मदद मिली, क्योंकि इनको जो सारे पूरे पुराने ग्रंथ थे ना, वो संस्कृत के अंदर लिखे हुए थे, तो संस्कृत के जो नॉलेज है वो ब्राह्मण्स को ही ज्यादा है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी एंड दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलिबरेट रिचुअल्स। इस समय में जो ज्यादातर डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो है लोगों में भक्ति की आस्था जाग रही है। ये बहुत ही ज्यादा लोगों में भाव फैल रहा है। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन सेपरेट। आप इसके बारे में और भी कुछ जानोगे, और इसके बारे में जो ट्रेडिशन है ना, इस परंपरा के बारे में चैप्टर 8 में विस्तार से पढ़ोगे। पेज नंबर 12 पे आइए। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट और उस पीरियड में जब नए धर्म भी स्थापित हो गए थे अलग अलग उपमहाद्वीपों पर। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। सातवीं शताब्दी में जो मर्चेंट्स लोग आए ना बाहर से, जो व्यापार करने आए थे, इन लोगों ने पवित्र कुरान के बारे में भारत में संचार किया, ज्ञान फैलाया। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह हूज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। मुस्लिम समाज के लोगों ने कुरान के बारे में, पवित्र जो बुक है ना कुरान, इसके बारे में बताया और उन्होंने बोला कि एक ही भगवान, विश्वास रखो अल्लाह के ऊपर, हूज लव और उसके उसके प्यार पे, उसकी मर्सी पे और उन्हीं पे ही विश्वास रखो। और बिना किसी सामाजिक बैकग्राउंड के many rulers were patrons of Islam and the ulama learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslims who believed that the
प्रोफेट मोहम्मद अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। बहुत ही लेजिटिमेट शासक जो थे वो मोहम्मद के सनीलो या उनके दामाद थे अली उस समय में मुस्लिम समाज में। एंड द सनी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ फ्लो हनाफी एंड शाफी आई मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। और इन लोगों की भी एक अपनी परंपराएं थी, मुस्लिम समाज की भी एक अपनी अपनी खुद की स्कूल्स थी जो स्कूल्स हनाफी एंड शाफी नाम से इंडिया में चलती है। एंड इन थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशन के जो परंपराएं हैं वो भी अपने हिसाब से चलती है। आज आप मिस्टिक ट्रेडिशन तक की मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 12 पे। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। और आपका होमवर्क यही है कि इस चैप्टर में मैंने जो टॉपिक समझाया ना आपको, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, इस टॉपिक को आपको रिवाइज करके वीडियो को दोबारा समझना है। और जो रीजन एम्पायर वाला टॉपिक है इस टॉपिक को भी आप अच्छे से दोबारा समझोगे। ये आपका आज का होमवर्क है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय।